आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि विंडोज़ 365 क्लाउड पीसी क्या है, इसको चलाने के लिए रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, ये काम कैसे करता है एंड फाइनली ये हमारे एग्जिस्टिंग पीसी को रिप्लेस कर सकता है या नहीं, सब जानेंगे ये वीडियो में। बने रहिए मेरे साथ। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्नोबीज। चलिए शुरू करते हैं। Windows 365 एक क्लाउड बेस्ड सर्विस है जो कि माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से आपके लिए लाया गया है। बेसिकली इसे आप एक वर्चुअल सीपीयू बोल सकते हैं जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सर्वर पे इंस्टॉल्ड होगा। एग्जांपल, जैसे हमारे सीपीयू में हम रैम, स्टोरेज, विंडोज और फिर उस विंडोज में डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वैसे ही सेम हम विंडोज 365 में कर पाएंगे। इसमें भी हमें डिफरेंट कॉम्बिनेशंस और कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से प्लान्स मिलेंगे, जैसे डुअल कोर सीपीयू विद 4GB रैम, 128GB स्टोरेज, ऑक्टो कोर सीपीयू विद 16GB रैम, 256GB स्टोरेज इत्यादि। बस डिफरेंस ये रहेगा कि ये सब आपके पीसी पे लोकली इंस्टॉल्ड नहीं होगा, माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड स्टोरेज या बोल सकते हैं उसके सर्वर पे इंस्टॉल्ड होगा। थोड़ी देर में मैं आपको बताऊंगा कि क्या विंडोज 365 हमारे एग्जिस्टिंग पीसी को रिप्लेस कर सकता है या नहीं, सो प्लीज लास्ट तक ये वीडियो को जरूर देखें। अब हम बात करते हैं कि विंडोज 365 को चलाने के लिए हमें किन चीज़ों की रिक्वायरमेंट्स होगी। सबसे पहले आपके पास माइक्रोसॉफ्ट आईडी होनी चाहिए। आपको अपनी माइक्रोसॉफ्ट आईडी से लॉगिन करना है, फिर माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे जाके अपना मनपसंद प्लान की फीस देके उसे सब्सक्राइब कर लेना है। आपके सिस्टम पे विंडोज 365 चल पाएगा या नहीं ये रिसोर्स परफॉर्मेंस स्कोर से पता चलेगा। इसके बारे में और भी डिटेल्स हमें 2 अगस्त को पता चलेगा, जब विंडोज 365 क्लाउड पीसी ऑफिशियली सभी के लिए अवेलेबल हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट के साइट पे। अभी तक आपने इस चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। अब हम देखेंगे कि विंडोज 365 काम कैसे करता है। सो बेसिकली हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, सेम वैसे ही हमें विंडोज 365 का भी सब्सक्रिप्शन लेना होगा अगर हमें उसे यूज करना है तो। उसके अलग अलग प्लान्स होंगे, आपको जो भी कॉन्फ़िगरेशन का प्लान सूट करेगा आप वो ले सकते हैं। जैसे ही आप अपने माइक्रोसॉफ्ट आईडी से लॉगिन करेंगे, प्लान एक्टिवेट कर लेंगे, वैसे ही आपके लिए एक वर्चुअल सीपीयू विद विंडोज ओएस माइक्रोसॉफ्ट के क्लाउड स्टोरेज में अलॉट हो जाएगा। उस विंडोज ओएस में वो सारे ऐप सॉफ्टवेयर होंगे जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस क्लाउड, वो सारी चीजें होगी। विंडोज 365 को आप अपने ब्राउजर से एक्सेस कर सकते हैं, फिर आप वो सारी चीजें कर सकते हैं जो आप अपने नॉर्मल विंडोज में लोकली करते हैं, मतलब लोकल पीसी पे करते हैं, जैसे आपके अपने काम के सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना, फाइल सेव करना, अलग अलग जो ऑफिस के काम होते हैं वो एकदम आप अपने पीसी जैसा कर सकते हैं। सो अब सोचते हैं कि इसकी जरूरत क्या थी यूनिवर्स को जो माइक्रोसॉफ्ट को ये सर्विस लानी पड़ी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये काफी कन्वीनियंस हो जाएगा सभी के लिए। एग्जांपल, अभी आपके पास अपना सिस्टम है आप जिस पर काम करते हैं, लेकिन कभी अचानक आपको कहीं जाना पड़ा तो हो सकता है वहाँ आपको जो सिस्टम मिले वहाँ पे आपके सिस्टम जैसा एनवायरनमेंट ना हो, तो फिर से आपको उस सिस्टम पे फाइल्स अपलोड करनी होंगी, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे, बेसिकली आपको अपने एनवायरनमेंट वापस से क्रिएट करना होगा उस सिस्टम पे। बट अगर आपने अपने विंडोज 365 लिया हुआ है तो आपके सारे फाइल्स और सॉफ्टवेयर उसमें पहले ही आपने लोड कर दिए होंगे, तो आप कहीं भी जाएं, कोई भी सिस्टम पे आप जाएं, उसमें बस आपको अपने माइक्रोसॉफ्ट आईडी से लॉगिन करना है, आपका सेटअप किया हुआ एनवायरनमेंट वैसे का वैसा ही आपको वो सिस्टम पे मिल जाएगा। आप किसी भी सिस्टम पे हो आपको बस माइक्रोसॉफ्ट आईडी से लॉगिन करना है और आपको सेम एनवायरनमेंट हर सिस्टम पे देखेंगे। आप अपने फाइल, सॉफ्टवेयर सब सारी चीजों को एक्सेस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ विंडोज 365। सो फाइनली अब ये क्वेश्चन आता है कि क्या ये हमारे एग्जिस्टिंग पीसी को रिप्लेस कर देगा। तो टेक्निकली ये आंसर नो है फिलहाल के लिए, बिकॉज विंडोज 365 को चलाने के लिए आपके पास अच्छा इंटरनेट होना जरूरी है, बिकॉज ये ऑफलाइन वर्क नहीं करता है। एज इट इज क्लाउड बेस्ड, तो एक्सेस करने के लिए आपको इंटरनेट हमेशा ही चाहिए होगा। अभी इंडिया में सभी के
लिए इंटरनेट अवेलेबल नहीं हुआ है। अगर हुआ भी है तो उसकी स्पीड अच्छी नहीं है। तो फ्यूचर में हमारे दमदार खिलाड़ी एयरटेल और जियो अपना 5G प्लान्स अगर रिजनेबल रेट्स में लेके आते हैं तो शायद विंडोज 365 क्लाउड पीसी की सर्विस इंडिया में भी लोग पर्सनल और ऑर्गेनाइजेशन लेवल में यूज कर पाएंगे। चलिए अभी के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला होगा। अगर मिला है तो प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए और कोई सवाल या सुझाव हो तो कमेंट करिए। धन्यवाद।